हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में ये दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये है होंडा एक्टिवा या प्लेजर का सिलेंडर किट जो आया है मेरे पास बोर करने के लिए। तो मैं इसको बोर करने वाला हूँ। तो बोर करने के लिए इसमें फर्स्ट में पहले क्या काम करना पड़ता है, कैसे कैसे करना है, पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। वीडियो में पूरा बने रहिएगा क्योंकि आपके जानकारी के लिए इसमें बहुत अच्छी नॉलेज मैंने दे रखी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें हल्का फुल्का या कहीं भी जो पैकिंग लगी होती है गैसीड, इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। फिर इस साइड भी आपको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, जैसे पेस्ट वगैरह, स्लॉग जो रेजिबॉन्ड वगैरह होती है, स्लग होती है, वो लगी रहती है, तो उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। साफ करने के बाद आपको कपड़े से पोंछने के बाद आपको देख सकते हैं ये हीरो प्लेजर लिखा हुआ है, होंडा एक्टिवा हीरो प्लेजर का ये सिलेंडर है। तो अब हम इसको फिट करते हैं बोरिंग मशीन में। ठीक है, बोरिंग मशीन में हम इसको फिट करते हैं। दोस्तों, ये बोरिंग मशीन और होनिंग मशीन कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा इसी के बारे में आएगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और पूरा वीडियो देखना, तब बात समझ में आएगी। और अगर इस मशीन को चलाने के लिए आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैं पूरी वीडियो इसके लिए बना दूंगा आपको बनाने। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा आपको उसी पे आएगा कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो हमने सिलेंडर को इसके अंदर फिट कर लिया है कुछ इस तरीके से। आप यहाँ से भी फिट करने का तरीका सीख सकते हैं, इसका सेंटर कैसे मिलाया जाता है उसके बारे में, कहाँ से होता है। ठीक है, ये माइक्रोमीटर है इसका। अब माइक्रोमीटर जैसे इसका 50 mm का पिस्टन होता है, तो जो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी वीडियो में। ठीक है, वैसे तो 19,500, उसके बाद क्या 43 इस पर आएगा। ठीक है, 43, लेकिन आपको जो आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ये 1950.43, मतलब आप जो मैंने बता रखा है उसका ये है कि 49.43 जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, 49.43 हमने सेट कर लिया क्योंकि ये 75 नंबर के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं पहले कटिंग। कटिंग कर लेते हैं इसका पहले। देखिए, हमने इसका स्विच ऑन किया और इसको ऑटोमेटिक पे डाल दिया है, अभी ये हमारा करेगा कट। तो दोस्तों देखो, जैसे ये कट लग रहा है ना, ठीक है, तो ये हमारा कटिंग मशीन चालू हो चुका है। अब हम इससे कट लगा रहे हैं, इसमें बोर कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा, देखिए ये हो चुका है। ठीक है, थोड़ा वीडियो स्किप करके बना रहा हूँ ताकि लंबा वीडियो ना बने, छोटे में ही आपको पूरा बात बता दूँ। सबसे पहले आपको पैकिंग अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, पूरी सफाई के साथ है बोरिंग मशीन के अंदर इसको फिट करना है, फिर इसको कट लगाना है माइक्रोमीटर मिला के। उसके बाद कट लगाने के बाद आप इसको बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद सिलेंडर को बाहर करते हैं, फिर करते हैं इसकी होनिंग। एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो स्कूटी है प्लेजर वर्ल्ड मॉडल, इसका आपने अगर नोटिस किया हो तो आपको देखिए, पहले तो वहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ बीच में थोड़ी जगह गैप था। ठीक है, यहाँ पर रिंग ने ज़्यादा काट रखा है, इसकी वजह से ये कटिंग मशीन में कट नहीं लग पाया है। देखिए, छूट गया है बीच में, यहाँ टॉप में जहाँ रिंग आकर के रुकता है वहाँ पर थोड़ा कट ज़्यादा लग चुका है। ये ऐसा हुआ क्यों? ऐसा होता है जब कनेक्टिंग रॉड ख़राब रहता है तब, ठीक है, उसके वजह से ऐसा हो जाता है। तो ठीक है, ये हमारा होनिंग में मिल जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका जो बोर करना है एकदम लूज़ करना है, मतलब बाइक का जो आप बोर करते हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको लूज रखना है। जिससे क्या होगा कि आपने देखा होगा कि एक्टिवा जो प्लेजर वर्ल्ड मॉडल है उसका रिंग बहुत जल्दी घिस जाया करता है, जो रिंग होता है वो इतनी जल्दी घिस जाता है पूरा पतला रे, हमने तो देखा एकदम पतला हो जाया करता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको बता दूं मैं कि इसका जब भी बोर करें, अगर आप ज़रा सा भी बोर टाइट रहा तो आपका रिंग जल्दी घिस जाएगा। तो इसके लिए इसका रिंग क्यों, क्योंकि ये मतलब फैन तो लगा होता है इसमें, इंजन को ठंडा करने के लिए फ़ैन लगा होता है, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी तरीके से ठंडा नहीं हो पाता है क्योंकि ऊपर से सारी बहुत ज़्यादा कवर लगे होते हैं स्कूटी में, इसकी वजह से ठंडा नहीं हो पाता। आप देख सकते हैं ये प्लेजर का ये 75 नंबर का पिस्टन है जो हम इसमें डालेंगे।
ठीक है, तो अब देखिए ये हो रहा है हमारा, लगभग बोर होने वाला है, तो हम इसको चेक करते हैं। पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये कहाँ तक बोर हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए अब कितना हो चुका है, मशीन को मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, अभी हम इसको खोलते हैं, अगर ज़रा सा भी बोर टाइट रहा भाई तो आपकी रिंग घिस जाएगी। ठीक है, तो रिंग घिसने से बचाने के लिए, क्योंकि हीटिंग ज़्यादा होती है स्कूटी के अंदर, ये लगभग हमारा बोर हो चुका है। ठीक है, तो हीटिंग से, जो हीटिंग होती है उसके अंदर, क्योंकि चारों तरफ से कवर लगे होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होती है गाड़ी, गर्म होने की वजह से अगर पिस्टन टाइट रहता है ना तो वो रिंग को जल्दी घिसा दिया करता है। तो ये बोर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम इसमें हल्का सा थोड़ा सा इसको अब लूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे बाइक का बोर करना होता है उस तरीके से तो हो चुका है। ठीक है, जैसे बाइक का बोर करते हैं उस तरीके से इसका बोर हो चुका है, लेकिन हम इसको थोड़ा लूज़ करेंगे। लूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि इसका रिंग जल्दी ना घिसे, क्योंकि अगर इतने पे हम कर देते हैं तो रिंग घिस जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे पॉलिश, 300 राउंड पॉलिश करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको हम लूज़ कर लेते हैं, क्योंकि पिस्टन अगर लूज रहेगा तभी इसका चल पाएगा। ये बारीकी आपको समझना होगी, अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो फिर स्कूटी का इंजन सक्सेस नहीं कर पाएंगे। देखिए एकदम ढीला है, एकदम परफेक्ट, बस सिर्फ उंगली लगाओ, देखिए एकदम मस्त, एकदम फ्री है। ठीक है, इस तरीके से आपको बोर करना है, भले ही आपके रिंग में थोड़ा सा गैप बढ़ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग, बाइक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिंग में गैप ज़्यादा दिखेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रिंग नहीं घिसेगा। और अगर आप टाइट बोर कर देते हैं आज तो आपको दिखेगा कि रिंग बिल्कुल परफेक्ट है, ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन थोड़ी चलने के बाद जब रिंग घिसेगा तब तो ऑटोमेटिक गैप आ जाएगा। ठीक है, तो आपको रिंग घिसने से बचाना है, अगर आपका रिंग घिसने से बच गया तो फिर आपकी लाइफ, गाड़ी का लाइफ बढ़ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब हम इसको कर रहे हैं पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लूज ही रखना है बोर, बस यही बताने का मकसद था, बाकी बोर बाइक के तय ही होगा। ठीक है, लेकिन बस इतना सा देखिए, हमारा ये कितना 23-24 चल रहा, 25। ठीक है, ये पॉलिश हो रहा है, 300 राउंड पॉलिश कर लेते हैं पहले इसको। तो इस तरीके से इसको पॉलिश करके आपको बना लेना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको क्या करना है, कि जब ये बोर होने के कगार पे आ जाए, कि मतलब बाइक की जितना बोर हो चुका है, ठीक है, जितना बाइक का करते हैं उतना हो चुका है, तो आपको क्या करना है कि इसके थोड़ा सा इसको लूज कर दे, बस इतना ही करना। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।